नमस्कार दोस्तों, कैपेसिटी में आप सब स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग लेकर नई कैंपस प्लेसमेंट का वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों, वो हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। ये जो कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों, एक नहीं दो कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, जो दोस्तों 1 जून 2023 को लगाई जा रही है और 1 दोस्तों 14 जून 2023 को दोस्तों ये कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। इस कैंपस प्लेसमेंट में दोस्तों IT पास आउट स्टूडेंट भाग लेकर जॉब पा सकते हैं। चाहे आप IT गवर्नमेंट IT सीखें या प्राइवेट कॉलेज सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इसमें भाग लेकर जॉब पा सकते हैं। और भी दोस्तों महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेकर जॉब पा सकते हैं। इस कंपनी में दोस्तों आपको दो तरह का जॉब दिया जा रहा है, इससे अप्रेंटिसशिप भी आप कर सकते हैं और FTE के तहत जॉब भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोनों में से जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं वो FTE के तहत जॉब कर सकते हैं, और जो अप्रेंटिस नहीं किया वो अप्रेंटिस पहले कर लीजिएगा, क्योंकि फिर से आपको बाद में जो FTE करने का मौका भी मिलेगा। दोनों में जो आपको सैलरी दिया जाता है वो FTE वालों के यहाँ पे लगभग अभी दोस्तों 18,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, और जो अप्रेंटिस वाले हैं उनको यहाँ पे अभी 15,800 रुपये पर मंथ दोस्तों सैलरी दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी सैलरी बढ़ाया गया है। पहले सैलरी कम था लेकिन अभी बढ़ाया गया, अभी आपको ज़्यादा सैलरी इसमें दिया जा रहा है। इसमें जो भी बेनिफिट्स होगा दोस्तों सारा बेनिफिट्स भी आपको दिया जाएगा, जैसे कैंटीन बस PFESM मेडिकल इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब फैसिलिटी भी दोस्तों आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, जो इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेना चाहते हैं दोस्तों वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मेरे साथ साथ आप लोग अच्छे से पढ़िए समझिए, उसके बाद दोस्तों आप लोग कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे, ताकि दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके दोस्तों। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों अभी बाइक मैन्युफैक्चरिंग करती है हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे अवार्ड कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये कितने बिलियन डॉलर का भी कंपनी बन चुकी है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका लिया जा रहा है वो IT पास आउट स्टूडेंट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। चाहे आप NCVT से IT किए हैं या NCVT से किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे गवर्नमेंट IT कॉलेज से IT किए हैं, प्राइवेट IT कॉलेज से किए हैं, दोनों इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। जो दोस्तों इसमें IT ट्रेड रखा गया दोस्तों, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ट्रेड रखा गया दोस्तों, और दोनों इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। जो यहाँ पे फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, TWER, ये सब जो ट्रेड रखा गया दोस्तों दोनों के लिए रखा गया। और जो दोस्तों ओनली फीमेल के लिए रखा गया वो यहाँ पे देख सकते हैं, कोपा RAC, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन डाटाबेस सिस्टम, TTP, ये सब ट्रेड रखा गया दोस्तों ओनली फीमेल के लिए। तो इसमें जो दोस्तों मेल कैंडिडेट इस ट्रेड से नहीं भाग ले सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एज लिमिट 18 से 26 वर्ष रखा गया, तो जिनका 18 से 26 वर्ष तक है वो इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। आपका जो इसमें जॉब पर फैलाने वाला अप्रेंटिस जॉब एंड FTE जॉब आपको दोस्तों दिया जा रहा है, तो इसमें दो तरह का आपको जॉब दिया जा रहा है, तो दोनों में से जो आप करना चाहते कर सकते हैं। जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं वो ऐसे अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा, क्योंकि फिर से आपको दोबारा FTE करने का मौका मिलेगा। जॉब लोकेशन जो आपको दिया जाएगा गुजरात पनान में दोस्तों, जॉब लोकेशन रहने वाला। IT पासिंग ईयर यहाँ पे दिया गया है 2018, 19, 20 और 21 एंड 22 पास आउट स्टूडेंट दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं। तो जो 2018 से लेकर 22 तक पास किए हैं उनके लिए अच्छा मौका है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जाने से पहले अपना ट्रेड, पासिंग ईयर और एज लिमिट काम कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाएंगे। सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो सैलरी में फॉर अप्रेंटिस वालों को 15,300 दिया जाएगा और FTE वालों को 15,800 रुपये दिया जाएगा दोस्तों। बेनिफिट एज पर कंपनी रूल के हिसाब से जो भी होगा दोस्तों, जैसे कैंटीन बस, PFESI, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब फैसिलिटी आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपको कैंपस प्लेसमेंट में लेके जाना हो यहाँ पे दिया गया, अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, फोटो 4 कॉपी कलर वाला, बैंक का पासबुक आपको लेके जाना, और इन सारे डॉक्यूमेंट का 2-3 कॉपी जेरॉक्स को भी लेके जाएंगे। साथ में आप जो वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। और हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे लिया भी जाता है, 10 का मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब जो दोस्तों आपका ओरिजिनल लिया जाएगा। तो आप जाएंगे तो ये सब ओरिजिनल भी लेके जाएंगे। जो ये कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है वो दो कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, जो 1 जून 2023 को लगाई जा रही है। सुबह 9:30 बजे आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है, पे वेन्यू दिया गया गवर्नमेंट IT जो दाहोद झोला रोड डिस्ट्रिक्ट दाहोद गुजरात में ही कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। और ओनली जो दोस्तों यहाँ पे गुजरात स्टेट के कैंडिडेट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसी का बैनर यहाँ पे दिया गया दोस्तों, और इस बैनर पे यहाँ पे 3-3 नंबर दिया गया है, और कॉल करने का टाइम भी दिया गया जो 11:30 से 5 बजे तक दोस्तों आप इसमें कॉल करके जो भी अपना पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। दूसरा जो लगाई जा रही है 14 जून 2023 को लगाई जा रही है दोस्तों, सुबह 9:30 बजे दोस्तों आपको जाना पड़ेगा गवर्नमेंट IT मालपुर जो रघुनाथपुर रोड यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट
अरावली गुजरात ओनली गुजरात स्टेट के कैंडिडेट ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोनों कैंपस प्लेसमेंट में ओनली जो गुजरात के स्टूडेंट को ही लिया जा रहा है, अदर स्टेट वालों को इसमें नहीं लिया जा रहा है। जो इसमें भी दोस्तों नीचे नंबर दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं तीन तीन नंबर दिया गया, तीन तीनों में से नंबर में से आप किसी भी नंबर पे दोस्तों सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करके जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इस कैंपस प्लेसमेंट के बारे में पता चले। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।